आपके मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी से कल हमारी मुलाकात हुई थी और हमने तीन इश्यूज जो कंसर्न के हैं, जो बॉर्डर सरहदी इलाकों के जो कंसर्न के हैं वो उनके साथ उठाए। और वैसे भी दो राज्यों के जो बायलैटरल रिलेशन हैं उसकी भी उनसे बातचीत की हमने। और एक तो दोनों राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो दोनों राज्य और उन्होंने भी पंजाब ने भी घोषणाएं की हैं कि वो अपने जो धार्मिक सर्किट है उसको हिमाचल में एक्सटेंड करना चाहते हैं। और हमने भी ये घोषणा की है कि हम भी अपने धार्मिक सर्किट को एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो इस बात पे उन्होंने सहमति जताई कि दोनों राज्य जो है मिल के नीति फार्मूलेट कर लें और हमारे अधिकारीगण उस लेवल पे चर्चा कर लें, क्योंकि उन्होंने नैना देवी, चितपुर्णी, ज्वाला जी और बगलामुखी इन टेंपल्स के लिए अपना धार्मिक सेवाएं शुरू करने का ऐलान किया है। और हमने भी कहा है कि हमें भी यहाँ से लोगों को जो है ब्यास में भेजना है, ब्यास के लिए सेवाएं चलानी हैं और अमृतसर के लिए सेवाएं चलानी हैं, जलियांवाला बाग को वहाँ के लिए जो है और साथ में बाघा बॉर्डर के लिए और श्री अनंतपुर साहब के लिए जितने भी वहाँ के धार्मिक स्थल हैं और हमारे जो है संस्कृति परंपराएं काफ़ी लोगों की कुल देवियाँ यहाँ पे हैं, काफ़ी लोगों की जो है पंजाब में हैं, तो उन सब के हमने उनको साझा किया और अल्टीमेटली उन्होंने इस बात पे सहमति की कि दोनों राज्यों को सेवाएं चलाने में कोई दिक्कत ना हो, तो एक रणनीति फॉर्मुलेट कर ली जाएगी उनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और हम जो है मिलके बात करेंगे। और सेकंडली उन्होंने एक सुझाव दिया कि पंजाब के जो बच्चे हैं वो हमारे यहाँ पे आना चाहते हैं जो टूरिस्ट प्लेसेस में, तो कुछ एजुकेशन का आदान प्रदान का भी योजना बनाई जाए कि कुछ बच्चे जैसे कुल्लू आना चाहते, मनाली आना चाहते, धर्मशाला, डलहौजी और भी कुछ पर्यटक स्थल, या वैसे भी शिक्षा के में दोनों प्रदेशों में क्या चल रहा है उसके आदान प्रदान के बारे में भी गौर हो और इस पे भी बातचीत हमारी हुई और हम आने वाले समय में इस पे काम करेंगे। और हम धार्मिकता में तो हम बहुत बड़े पैमाने पे काम करने जा रहे हैं, अपने मेलों पे, त्योहारों पे, मंदिरों पे और किलों पे और दूसरे जितने भी स्थान हैं उन पे हम भी बहुत व्यापक काम करने जा रहे हैं। और हिमाचल के मुख्यमंत्री भी इस विचार के हैं कि हमें इस दिशा में काम करना है, बड़े पैमाने पे काम करना है और तो आने वाले समय में हम इस पे कार्य करेंगे। सेकंडली हमारा जो कंसर्न है और हमारा अपना डिस्ट्रिक्ट भी उसमें जैसे हमारा लंबा चौड़ा बॉर्डर है और पंजाब के साथ लगता है, तो जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं
खास तौर पे चिट्टा जो है उनको वहाँ भी बहुत बड़ी मसला है ये, और हिमाचल प्रदेश में भी जिस ढंग से इसने पिछले कुछ सालों में पांव पसारे हैं। तो हम दृढ़ निश्चय लेके चले हैं कि हमने जो है चिट्टे पे निर्णायक कार्रवाई करनी है, और इसमें हम कर भी रहे हैं। और हमने लगभग 14 किलो चिट्टा पकड़ा है अभी तक। हमने अभी तक 1600 मामले जो है हिमाचल प्रदेश में दर्ज किए हैं, और 2200 से ज़्यादा लोग जो है हिरासत में हैं। क्योंकि और हम केंद्र को भी लिख चुके हैं कि जो 1 ग्राम 2 ग्राम के केसेस हैं जिनमें जमानत हो जाती है, वो जो प्रावधान जो है रद्द किया जाए और जमानत का प्रावधान नहीं होना चाहिए। और इसमें हमने हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल से भी कहा था कि वो भी सहयोग करें अपना गुड ऑफिस को इस्तेमाल करके। तो उसमें भी हमने कहा कि आपकी समस्या है, लेकिन जो किंग पेन्स हैं, जो कि की पैडलर्स हैं, वैसे तो ये अंतर्राष्ट्रीय मसला है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान कुछ और देश जो है वहाँ से ये सिंथेटिक ड्रग्स आ रही हैं, और ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी इसको जो है हिंदुस्तान में भेजा जा रहा है, जो कि और ये राष्ट्र जो हमारे केंद्र सरकार है उसका भी ये विषय है कि वो राष्ट्रीय स्तर पे इसको कैसे टैकल करती है। और बड़े बड़े गिरोह के लोग जो हैं, बड़े सरगने जो है, उन पर कैसे किया जाए। लेकिन हमने ये कहा कि पंजाब और हिमाचल की दो पक्षीय डायलॉग जो है ऑफिसर्स की इसमें होनी चाहिए निरंतर, और आदान प्रदान होना चाहिए लगातार, कि जो लोग हमारे भी यहाँ पे लगातार आ रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि पीछे हमीरपुर के भी एक इंस्टीट्यूशन में ये मामला सामने आया। तो उसमें हमने कहा कि चाहे ये होशियारपुर और ऊना के एसपीज हैं, चाहे रोपड़ के हैं, चाहे पठानकोट के हैं, इन सबका आपस में जो है निरंतर बैठके होनी चाहिए, ताकि ये आदान प्रदान हो सके कि हम किस ढंग से इस पे। और हमारी गवर्नमेंट की हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो पॉलिटिकल विल से इसको जो है समाप्ति करने का विचार रखती है, और लगातार कार्रवाई हो रही है। और हमने स्पष्ट कह दिया है कि वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी धर्म जाति का हो, वो इसमें पक्षा नहीं जाएगा। तो इसलिए इसमें भी दोनों राज्य आपस में सहयोग में काम कर सके, तो ये बातें भी सामने आई। तीसरा, माइनिंग के मसले में भी हमने उनसे बातचीत की कि माइनिंग भी एक सब्जेक्ट है, बार बार जो है लीगल इलीगल माइनिंग की चर्चाएं होती हैं। और ठीक है, एक विषय है कि निर्माण भी करना है, मकान भी बनाने हैं, सड़कें भी करनी हैं, पंचायतों ने काम भी करने हैं, और रेवेन्यू का भी मसला है। लेकिन दूसरी तरफ जो पर्यावरण से खिलवाड़ हो रहा है, या जो है इसमें जो चोरी हो रही है रेवेन्यू की खासतौर पे, अब तो फुल बॉडी जो है गाड़ियाँ आ रही हैं जो कि 50 से 60 टन लेके चल रही है, जबकि उनके पास एम फॉर्म जो है 15-18 टन के होते हैं, और उसमें जो भारी भरकम रेवेन्यू का लॉस होता है, उसको कैसे वो करना है। इस विषय में भी हमने कहा कि जो इस ढंग से विचार विमर्श किया जाए। ये तीनों मसले हमने उनके समक्ष रखे, और हमारे कई मसले हैं, जैसे भी क्रिप्टो करेंसी का मसला है, हाल ही में उजागर हुआ 2500 करोड़ रुपए का मसला है, लगातार कुछ सालों से चल रहा था, निरंतर चल रहा था। उसमें भी जो है ये इसकी तारें भी पंजाब तक फैली हुई थी, यानी ये अकेला हिमाचल प्रदेश में ही नहीं है, ये उधर भी जो है
में फैला हुआ था। तो ये सब मसले हम चाहते हैं कि बातचीत होती रहे और डायलॉग होता रहे और इन मसलों को हल करने में मदद मिले। और वैसे भी आपने देखा होगा कि लोग यहाँ पे क्राइम करते हैं, और हाल ही में आपने देखा कि घालूवाल में गोली चली थी और जो शूटर थे वो जो है पंजाब से थे, और हमने हमारी पुलिस ने अच्छा काम किया और 7 लोग हिरासत में ले लिए, और जो पंजाब के पास टेक्नोलॉजी हमारे से बेटर टेक्नोलॉजी है और उसका भी हमारे लोगों ने जो है इस्तेमाल किया, और लेकिन वहाँ शूटर जो है जेल में बैठा, जेल में बैठे हुए लोग जो है ये वारदातें करवा लेते हैं। तो इसी ढंग से अभी जो है चिंतपूर्णी हमारी जो बहुत ही धार्मिक आस्था का केंद्र है, वहाँ पे खालिस्तान अंकित जो है वो लिखे गए, वो भी जो है हमारी पुलिस ने बहुत उमदा तरीके से काम करके वो 3 लोग जो है हिरासत में ले लिए, जिसमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और अभी तक जो शुरुआती मसला है उसमें इतनी बात थी कि फौरन में बैठे लोगों ने उन लोगों को प्रलोभन दिया कि आपको इतना पैसा मिलेगा और आप अगर ये हम आपको पैसा दे रहे हैं ये आप जाके वहाँ पे अंकित करके आ जाए, डिटेल इन्वेस्टिगेशन उसमें चल रही है। तो वो क्राइम को रोकने के लिए हम पूरा जिले को जो है अब इस पूरे जिले में हम कैमरे लगाने जा रहे हैं, पूरा पूरा हमारा ऊना जिला जो है जहाँ भी हमारे बॉर्डर हैं, जहाँ भी हमारे को ऐसा कोई एस्केप रूट है तो उसको वहाँ पे हमें पूरी जानकारी रहे कि कौन आदमी किधर से आया और किधर को गया। तो पूरा कैमरे की सर्वेलेंस में जिले को हम रखना चाहते हैं। खासतौर पर धार्मिक स्थल तो हम चिंतपूर्णी तो हमारी धार्मिक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, वहाँ लाखों लोग आते हैं, और वहाँ पे भी हमने कह दिया है कि मुबारकपुर से लेके आगे भरवाई से लेके मंदिर तक जो है और दूसरी तरफ भी हर तरफ जो है कैमरे पूरी तरह कायम कर दिए जाएँ ताकि ऐसे तत्वों पे हम नज़र रख सकें। और जहाँ तक हम जिले की डेवलपमेंट की बात है तो हम हमारे जो मेजर प्रोजेक्ट हैं इस वक्त हम उसको पूरी तरह फोकस में लाए हुए हैं, और हालांकि कुछ नेताओं राजनेताओं ने ये कहा कि बल्क ड्रग पार्क जो है बड़ी धीमी गति से चल रहा है, लेकिन उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि उनके समय में तो जब उनकी सरकार थी सिर्फ ऐलान बयान ही होते रहे और कोई भी फंडिंग इसको लेके नहीं हो पाई और कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ा ना, और लेकिन हमने तो इसमें जो जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं और ख़ासतौर पर 3 जो मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहले तो हमें पानी के लिए इस समय बीत इलाके में लगभग 15 ट्यूबवेल ड्रिल हो रहे हैं और 32 करोड़ रुपए की लागत से उन पे काम हो रहा है, क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये प्रोजेक्ट लग रहा है वहाँ पानी का लेवल जो है बहुत डाउन है और 70% पानी निकाला जा चुका है और गुंजाइश बहुत कम है। तो इसलिए वहाँ पे ज़मीन में पानी डालने के लिए 12 करोड़ रुपया जो है सेंक्शन किया गया है ताकि वहाँ के जितने भी तालाब हैं टोबे हैं उनको रिचार्ज करने के लिए वो पैसा दिया जा चुका है। और यहाँ पे हमने इसका मेजर जो है इसके जो कॉर्पोरेट ऑफिस का उद्घाटन हो चुका है, पूरी तरह बनके तैयार हो चुका है,
और इसका तीसरा जो है, जहाँ पे इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनना है वहाँ के लिए पानी की स्कीम हम 12 करोड़ रुपए की सेंक्शन कर चुके हैं और उसके टेंडर्स वगैरह की हमने निर्देश दिए हैं और पंजवाड़ा के पास उसका फाउंडेशन स्टोन भी हम कर चुके हैं और बहुत जल्दी। और ये जो है पंजवाड़ा के पास बिल्कुल एक अलग शहर जो है बालियाल, जो सबसे हमारा पिछड़ा है, वहाँ पे एक नया शहर बन के तैयार हो जाएगा। जब ये इसका काम आगे बढ़ेगा तो एक नया शहर अपने आप में वहाँ पे डेवलप होगा। और उसके लिए और सड़क हम 42 करोड़ रुपए की सड़क जो है बनाने जा रहे हैं, हम पंजवाड़ा से बालियाल को बाईपास करती हुई कुठारबीत, पुबोल और गोलियां, और उसमें लैंड एक्विजिशन होगी, 12-15 करोड़ रुपया लगेगा, वो पैसा भी हमने जारी कर दिया है। और उसके बाद फिर हमारा जो पानी के टैंक्स बढ़ने हैं, इसमें पोलियो में एक 50,000 एक 50 लाख लीटर का, एक 25 लाख लीटर का, दोनों जो है पूरी गति से जो है वो टैंक्स बन रहे हैं। यहाँ पे हमारे जो पेकू बेला है वहाँ पे सोलर पावर प्लांट जो है स्थापित हो रहा है। यहाँ से लाइनें खींची जा रही हैं 11 किलोमीटर लंबी पोलियाँ के लिए, और पहले नैनिया से हम बिजली ला रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ से फिर हम 11 किलोमीटर वहाँ पर जाएंगे, और इस पे लगभग 95 करोड़ रुपया खर्च आएगा। और दूसरा जो है पंजाब से जो है ने हमारे को अलाउ कर दिया है, हमारे साथ इन एग्रीमेंट कि आप इस तरफ से जमालपुर से बिजली जो है कालीवाल खेच लो, उस पर 31 करोड़ रुपया खर्च होने जा रहा है। तो उसके बाद उस इलाके की तो पुश्तों के आने वाली जो है बिजली की दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी, अगर ये दोनों लाइनें हम खेचने में काम अगर तो क्या हम कामयाब हुए होंगे ही, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कितना समय लगता है। लेकिन जमालपुर से भी लाइन हम खींचेंगे, टालीवाल ले आएंगे, और यहाँ से भी हम खींच के जो है पोलियाँ पहुँचा देंगे, तो पानी के सेक्टर में भी वहाँ पे कोई कमी ना रहे, वो भी आने वाले जनरेशन्स के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, और बिजली का भी हम लगे हैं, सड़कों का नेटवर्क भी हम तैयार कर रहे हैं। तो और कंसल्टेंट अपॉइंट करना जो है वो मुझे लगता है कि नेक्स्ट कैबिनेट में इस बारे कोई ना कोई फैसला हम लेने में कामयाब हो जाएंगे। तो इसलिए हम धरातल पे काम कर रहे हैं, हम किसी की आलोचना से जो है से बेपरवाह होके हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं। दूसरा जो जहाँ तक पीजीआई का सवाल है, पीजीआई का भी हम लगातार ऊना में बढ़ना है और उसको हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। उसकी एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं थी, हमने वो एनवायरनमेंट क्लियरेंस करवा ली है, उसके लिए 450 करोड़ रुपया उसके लिए आ चुका है और काम वहाँ पे चल रहा है। हम लगातार जो है, और मैं तो खुद भी पीजीआई के डायरेक्टर से इस सिलसिले में मिलने के बात करने के लिए खुद भी जाके आया था। तो हमारे लिए डिस्ट्रिक्ट का जो पूरा डेवलपमेंट है, डिस्ट्रिक्ट की सिक्योरिटी, डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट, उसके लिए उसके हिसाब से हम लगातार काम कर रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट में ही हमारा जो है जो लोहारली पुल बनना है वो उसकी भी हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कितनी जल्दी जो है, और हमने प्रशासन से कहा है कि उसको बेरोक टोक जो है विदाउट एनी प्रॉब्लम जो है उसका निर्माण होने दिया जाए। और एक ब्रिज हमारा जो है पंडोगा से चूड़ी जो बनना है उसके लिए भी हम पूरे गंभीर हैं, उसका हमने टेंडर कर दिया है, 50 करोड़ रुपये का उसका टेंडर हुआ है, 50-51 करोड़ रुपए का। और इसके बाद जो एक टेंडर जो है हमारी प्रदेश का जो सबसे बड़ा सिग्नेचर ब्रिज लठियाणी मंडली वाला बनना है, वो लगभग 400 करोड़ रुपए का है, वो भी उसको लेके भी हम गंभीर हैं, बार बार
उसकी सेंक्शंस के लिए भी हम दिल्ली जाते रहे, और अब लगभग हम फाइनलिटी पे ही हैं इन सब सब प्रोजेक्ट्स पे, जो जिससे कि ऊना का जो है, ऊना ने विकास में मील पत्थर साहब कायम किए हैं। जैसे हमारा फ्लड चैनल चैनलाइजेशन था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, पत्थरों के लिए किसी किसी को 1500 करोड़ रुपया लगा दिया जाए, तो ऐसा कहीं भी संभव नहीं हुआ है। ये ऊना में ही हुआ है, और ऊना इसका जो अंतिम चरण है, पांचवा फेज है, इसकी भी DPR बना के 338 करोड़ रुपए की हमने, जो गगरेट में से दौलतपुर एरियाज वगैरह में जो काम होना है वो भी हमने दिल्ली पहुंचा दी है। वी आर अवेटिंग सेंक्शंस, जो सेंक्शंस के हम लगातार इंतजार कर रहे हैं कि वो हमें सेंक्शन मिले ताकि हम आगे काम कर सकें। इसलिए चाहे माता चिंतपूर्णी जी का प्रोजेक्ट है, धार्मिक आस्था का, उस चाहे उसका हो, चाहे PGI का हो, चाहे ब्रिजेस का हो, चाहे रोड्स का हो, चाहे पानी का हो, कुटलैहड़ के लिए 46 करोड़ रुपए की एक परियोजना जो है वो भी हमारी फाइनल स्टेज पे है। 20 इलाके की 71 करोड़ रुपए की वो भी हमारी फाइनल फाइनल स्टेज पे जा रही है। और उसके बाद अभी जो हमारे 5 गांव हैं संतोगढ़ के आसपास, जहाँ के पानी की समस्या है, उसका जो है लगभग 65 करोड़ रुपए की DPR वो भी हमने बना के तैयार कर दी है। यहाँ ऊना की ड्रेनेज का मसला है, जहाँ 18-19 करोड़ रुपए लगना है, वो भी हमने मिटिगेशन फंड से जो है उसके लिए पैसा मांगा है, और स्टेट ने उसको रिकमेंड करके आगे भेज दिया है। तो इसलिए हमारा सारा फोकस जो है गवर्नमेंट पे है, विकास पे है, कल्याण पे है, गरीब की सेवा पे है, उस एजेंडे पे हम लगातार चल रहे हैं। मुकेश जी, जैसे कि ऊना आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, उसमें दुकान का टाइम पीरियड खत्म हो गया है, लेकिन विभाग जो है अभी भी वो दुकान खाली नहीं करवा पाए, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि आप बता रहे हैं, इसके बारे में हम पता करेंगे, क्योंकि हम बड़ी डेवलपमेंट की इस समय बात कर रहे हैं। जिले की जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, जिले के जो बड़े इश्यूज हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। किसने किसका मकान खाली नहीं किया, किसकी दुकान खाली नहीं की, ये एक सेपरेट इशू है, ये मसले देख लिए जाएंगे अलग से। हाँ, लेकिन मैं जो है, जो हमारे बॉर्डर से कंसर्निंग इश्यूज हैं, जो हमारे स्टेट से कंसर्निंग इश्यूज हैं, मैं उनकी बात करना चाहता हूँ। बाकी मैं देख रहा था कुछ पॉलिटिशियंस के OPS को लेके बयान आ रहे हैं कि जो OPS इम्पोर्टेंट जो आज नेता विपक्ष ने एक बात कही आपके बात कि उन्होंने कहा कि जो महादेव घोटाला है उसके तार हिमाचल तक चले हैं, जयराम नहीं, जयराम जी की सेंटर में गवर्नमेंट है, ही इज एट लिबर्टी, ही इज फ्री, वो जांच करवाएं, जमा जवानी बात करने की क्या बात है। जो इश्यूज उनको लगता है कि उसके जांच के तार यहाँ जुड़े हैं, पर इस बात का ख्याल रखें कि कहीं यहाँ के तार कहीं और ना जुड़े हों। बाकी हमें हमारी तरफ से किसी भी घोटाले की कोई भी जांच कराए, महादेव की करवाएं या किसी और की कराने, हमें कोई एतराज नहीं है। वी डू वेलकम मैनी ऑफ द इंक्वायरी, और हम पूरी पारदर्शिता से, ईमानदारी से सरकार का संचालन कर रहे हैं, और हमें किसी बात का खौफ नहीं है, हमें किसी बात का डर नहीं है। अगर उनको लगता है कि कोई तार कहीं से जुड़े हैं, कोई और तो पावर हाउस उनके पास है, वो उससे जो करवाना चाहते हैं वो करवाएं। देश के 5 राज्य के चुनाव हुए थे, उसमें जो चुनाव परिणाम आए, नहीं ठीक है, लोकतंत्र में जनादेश है, जनादेश आया है, हम उस जनादेश को स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ लोग तो बगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कोई आप तो चुनाव हार चुके हो, आप क्या नसीहतें दे रहे हो, आप यहाँ लीड कर रहे थे, आपने चुनाव हारा, यहाँ पे सरकार बन। मैं बहुत ज़्यादा इस विषय पे बोलना नहीं चाहते, क्योंकि मैं आपसे डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ और आप मुझे बार बार उस तरफ को ले जा रहे हैं, लेकिन लेकिन पर आप हमें ये बताएं कि यहाँ पे जो है 1 साल पहले चुनाव हुआ है, मैंडेट जो है आपके खिलाफ आया, हमने 40 सीटें हासिल की, आगे को चुनाव होंगे ठीक है, तब देखेंगे।
लेकिन दूसरे राज्यों को लेके जो है यहाँ पे ढोल पीटना, यहाँ पे बाजा जो है नगाड़े बजाना, यहाँ पे पटाखे फोड़ना है, तो ये तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि यही सत्ता पे काबिज हो गए हो। भाजपा के नेता और नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि हिमाचल में भी जो है वो हम जल्दी सत्ता में आ सकते हैं। नहीं, देखो ऐसा है, दिल बहलाने के लिए तो कुछ भी करें। जिन जिन लोगों को ये मालूम है कि अब वो चुनाव के रूप से जो है कभी सत्ता में नहीं आएंगे, उनका ख्वाब जो है पूरा नहीं होगा, वो चाहते हैं कि वो कोई जो है तोड़फोड़ की राजनीति करके कोई ऐसा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह स्थिर स्थाई टिकाऊ सरकार हिमाचल प्रदेश में, वी ऑल आर टुगेदर, और हमारे साल से लगे ही हुए हैं। अगर आपको अगर जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया तो आप तो आराम से बैठे, आपके आप तो ऐसी बॉडी लैंग्वेज दिखा रहे हैं, पता नहीं रण क्षेत्र में आप ही जीत के आए हो। आपके बारे में तो निर्णायक मैंडेट आ चुका है, आपने 5 साल सरकार चलाई, 5 साल सरकार चलाने के बाद आपके किए हुए का फैसला हिमाचल प्रदेश की जनता ने कर दिया, तो इसलिए हम इन बातों में नहीं पढ़ना चाहते। ये तो सिर्फ आप सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे बोलना पड़ रहा है। हमारा एजेंडा जो है इस समय प्रदेश को विकास की तरफ ले जाना है। हम बार बार बोल रहे हैं कि ओपीएस को वोट नहीं मिली, भाई आप ओपीएस के विरोधी हैं, हमें मालूम है, आपने प्रदेश में ओपीएस का विरोध किया और आपने नहीं दी, आपने तो ओपीएस वालों पे डंडे चलाए, आपने उनके ऊपर घोड़े दौड़ाए, आपने उन पर पानी के बुछारे करवाए, आपने उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए, आपने उनके तबादले किए, हमने ओपीएस लागू किया, ठीक है अपनी अपनी नीति है, हम कर्मचारियों को ओपीएस देने के पक्षधर हैं, आप ओपीएस के विरोधी हैं। अब आप कह रहे हैं कि राजस्थान में भी ओपीएस लागू था तो वहाँ जो हार हुई, भाई आपके तो हो गई ना, आपके तो फैसला हो चुका है। हम अपने कर्मचारियों के लिए जो हमारा वायदा था पूरा कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक गारंटियों का सवाल उठा रहे हैं, हम गारंटियाँ हमारा राजधर्म है, हम उसको निभाएंगे, हम पूरा करेंगे, गारंटियाँ हमारी हैं। अब आप कह रहे हैं कि गारंटी सिर्फ एक व्यक्ति की है और कोई गारंटी नहीं है, है? आप लेकिन ये है जो हमने गारंटियाँ दी हैं जिससे हमारी सरकार बनी है, हम उनको लेटर एंड स्पिरिट अक्षरश लागू करेंगे, हर हालत में लागू करेंगे।